किसी ने कहा है, शांति दो युद्धों के मध्य का अंतराल है, लेकिन दुर्भाग्य से सीरिया को बरसों से शांति नसीब नहीं हुई है। यहाँ हर तरफ उथल पुथल होने के अलावा चारों ओर खून खराबे के हालात भी कांपने पर मजबूर कर देते हैं। सीरिया ग्रह युद्ध के कारण लड़ाई की आग में जल रहा है। यह भी एक कड़वी हकीकत है कि जब भी युद्ध होता है उसका सबसे ज्यादा खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। सीरिया में भी ऐसा ही हुआ जब युद्ध का अंजाम एक पूरी पीढ़ी को भुगतना पड़ा। इसकी शिकार हुई 2 साल की मासूम बच्ची जिसका नाम दलाल है। दलाल के परिवार ने इस युद्ध की भारी कीमत चुकाई है। साल की शुरुआत में सीरिया के इदलिब के पास विस्थापितों के शिविर में आग लगने से शिविर में रह रही 2 साल की मासूम दलाल बुरी तरह से झुलस गई थी। उसका सिर, चेहरा, शरीर और फेफड़े बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। इलाज के लिए दलाल को पूरे परिवार से दूर तुर्की भेजा गया। इलाज के कारण माँ की ममता से लंबे समय तक वंचित रही मासूम बच्ची दलाल पूरे 6 महीने बाद अपने परिवार से मिली है। दलाल को इलाज के लिए जब अस्पताल लाया गया तो उसके दोनों हाथों की हथेलियाँ कटी हुई थीं। उसकी पलकें, नाक, कान, उसका गला और होंठ झुलस गए थे। श्वसन नली भी बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। तुर्की के डॉक्टरों का कहना था कि दलाल के जीवित रहने की उम्मीद मात्र 10% है, लेकिन मिरेकल बेबी के रूप में चर्चित हुई दलाल ने इलाज के दौरान 3 बार मौत को मात दे दी। डॉक्टरों की टीम दलाल को नया जीवन देने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। होंठ और पलकों को पहले जैसा बनाने के लिए कई स्किन ग्राफ्टिंग ऑपरेशन किए गए। आर्थिक संकट का सामना कर रहे दलाल के पिता ने किसी तरह पैसे जुटाए और दलाल की माँ और 4 बड़े भाई बहनों को पासपोर्ट का इंतजाम कराया। जी तोड़ कोशिश के बाद दलाल का परिवार उससे पूरे 6 महीने बाद मिला है। दलाल और उसकी माँ का दोबारा मिलना काफी भावुक पल था। डॉक्टर बताते हैं कि दलाल की फेशियल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी तभी संभव होगी जब 2 साल की मासूम थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। बहरहाल दलाल और उसकी मां का दोबारा मिलना पूरे परिवार के लिए खुशी के कुछ अनमोल पल जरूर लाया है। अब यह परिवार आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, परिवार का एक और सदस्य जल्द ही उनके साथ शामिल हो जाएगा, क्योंकि दलाल की मां गर्भवती हैं और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं। ईटीवी भारत की रिपोर्ट।